यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है और आए दिन पुलिस बेखौफ बदमाशों पर कहर बनकर बरस रही है। बागपत में भी बदमाशों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान हुई राउंड फायरिंग में एक इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दो बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित है। दरअसल पुलिस और स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि तीन बदमाश चमरावल रोड से होते हुए किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। स्वाट टीम और थाना कोतवाली की टीम की बदमाशों के साथ देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश मुंदर, जो कि ढिकौली गांव का रहने वाला, थाना चांदी नगर का, वो घायल हुआ है। पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, एक लूट की सूचना पे पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। उस चेकिंग के दौरान ये बदमाश आ रहे थे और इन्होंने जब पुलिस टीम को देखा तो उस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में मुंदर को गोली लगी और दो बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागने में सफल रहे। मुंदर पे 15,000 का इनाम था, जो 21 जून से पांची चल रहा था लूट के मामले में। दोनों शेष बदमाशों की तलाश जारी है, जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने घायल 15,000 के इनामी बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से कोतवाली बागपत क्षेत्र से लूटी गई एक बाइक और एक तमंचा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बदमाश पर लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब के सिटीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।